24 सितंबर 2014 बेंगलुरु की ये सुबह बेशक शांति से भरी है, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। ये इम्तिहान है भारत के सबसे डेयरिंग मिशन्स में से एक का, इसके तहत मार्स तक की पहली इंटरप्लैनेटरी जर्नी को अंजाम दिया जा रहा है। मिशन कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने एक नया इतिहास बनता देख रहे हैं। इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बॉसेस के राधाकृष्णन और एएस किरण कुमार खामोशी से इस मिशन की प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए हैं। हमें बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स करने पड़े, हमें गुजरना पड़ा डिटेल्ड टेस्टिंग से। टीम ने वो किया जिसे इम्पॉसिबल माना जाता था। जैसे जैसे ये टीम काम करती गई, इसकी एनर्जी और बढ़ती गई और टीम सीखती गई और इवॉल्व होती गई। अप टू सितंबर 24th ये बहुत कुछ सीखने का फेज था और सबने मिशन कंट्रोल सेंटर में उस दिन देखा होगा द बबलिंग यूथ एंड द एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स, सभी मिलजुल कर इस मिशन पर लगे हुए थे। प्लान ऑफ एक्शन को अमल में लाया जाने लगा, मंगलयान की स्पीड धीमी कर दी गई, इग्निशन से 5 मिनट पहले मंगलयान एक एक्लिप्स में दाखिल होकर मार्शियन शैडो में पहुंच गया। मार्स की वजह से ऑर्बिटर तक सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण सोलर पैनल जरूरी पावर जेनरेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मंगलयान ने अपनी लिथियम आयन बैटरी को स्विच ऑन किया। इस वक्त भी मंगलयान पृथ्वी से नजर आ रहा था। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन 4 मिनट बाद मंगलयान मार्स के पीछे चला गया, जिससे मिशन टीम के साथ उसका तमाम कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब अगला सिग्नल 25 मिनट बाद ही मिलने वाला था। मिशन कंट्रोल रूम में एकदम खामोशी छा गई। मंगलयान से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऐसे में टीम सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि स्पेसक्राफ्ट प्लानिंग के मुताबिक ही ठीक ठाक बिहेव कर रहा था। वक्त जैसे कट ही नहीं रहा था। और उस समय पर वहाँ क्या हो रहा होगा इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। हमें फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में चुप्पी छा जाए। लाइफ ऐसी ही होती है और स्पेस साइंस भी ऐसी ही रही है। हमें करीब आधे घंटे के उस पीरियड तक इंतजार करना पड़ा। हम सोच रहे थे कि या तो सब ठीक चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। क्या हम फिर से सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे? तो मन में उस वक्त ऐसे ही सवाल उठ रहे थे। इस अहम पल में गोल्डस्टोन कैलिफोर्निया और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नासा के ग्राउंड स्टेशंस मंगलयान पर पैनी नजर बनाए हुए थे। सबसे पहले उन्हें ही इस मिशन की कामयाबी की खबर मिलने वाली थी। क्लिप्स खत्म होते ही मंगलयान से पहला मैसेज आ गया। ये कामयाबी से मार्स ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। साइंटिस्ट्स की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी की खुशी भी देखते ही बन रही थी। भारत के स्पेस प्रोग्राम में ये बहुत ही खास पल था। हिस्ट्री has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. On that day of September 24th, स्कूल के बच्चे सुबह सुबह आ गए। उन्होंने इस पूरे लॉन्च को देखा।
और उनमें एक नया विश्वास भी पनपा। मेरे विचार में इस मिशन से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये था कि ये जो यंग माइंड्स हैं, उन्हें ये एहसास हुआ कि इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है जिसे लोग अब तक इम्पॉसिबल समझते थे। मंगलयान मार्स के इर्द गिर्द मौजूद हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था कि तभी उसमें लगा कैमरा भी चालू हो गया। रेयर और एक्साइटिंग पिक्चर्स अर्थ तक पहुंचने लगी। ये है मार्स की एक पूरी पिक्चर। वोल्केनोस, लार्ज कैनियन रेंजेस, वाटर वेपर क्लाउड्स, फोबोस जो मार्स के दो नेचुरल मून्स में से एक है। नासा का स्पेसक्राफ्ट क्यूरियोसिटी रोवर पहले ही मार्स पर मौजूद था और उसने मंगलयान का वेलकम किया। क्यूरियोसिटी के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया, नमस्ते, और मंगलयान ने जवाब दिया, हाउडी। मेवन टीम ने मार्स पर पहुंचने के लिए इसरो को बधाई दी। इंडिया का ऑर्बिटर भी इस रेड प्लैनेट को स्टडी करने से जुड़े मिशन में शामिल हो गया। इस तरह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मार्स तक एक कामयाब मिशन भेजने वाली चौथी एजेंसी बन गई और पहली ही कोशिश में ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली एजेंसी है।